पढ़ाई के साथ साथ अब होगी जी स्क्वायर क्विजेस एवरी डे 7:30 पीएम ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, दैट टू फ्री. यस गाइज, यू हर्ड मी करेक्ट, एब्सोल्युटली फ्री इन स्पेशल क्लासेस. बस आपको लिंक को ज्वाइन करना है जो दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. हर दिन 7:30 एक चैप्टर बायोलॉजी का, अब क्योंकि पढ़ाई होगी सुपर फास्ट. सो गाइज, लेट्स क्रैक इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर अमेजिंग चैनल अनअकैडमी नीट टॉपर्स, which brings to you with the best quality and content and the best educators. Right guys? So let's crack it. एक सेकेंड, अभी आ रही है वॉइस बच्चों, अभी वॉइस आ रही है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ चैट बॉक्स में. बेटे शगुन के बिना कभी कुछ हुआ है हमारे सेशन में, ये बताओ, शगुन के बिना कुछ हुआ है हमारे सेशन में? अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है, तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ. हाँ हाँ हाँ, आ रही है 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 आ रही है, आ गई. तो वापस इंट्रो देना पड़ेगा क्या? अरे यार बच्चों बहुत मेहनत कराते हैं, चलो वापस से जोश के साथ रिप्ले करते हैं. तो ऐसे आते हैं यहाँ पे. So, बच्चों वेलकम टू द अनअकैडमी नीट टॉपर चैनल विद योर फेवरेट जी स्क्वायर, और आज हम कवर करने वाले एनिमल किंगडम लेक्चर नंबर 5, मोलस्का इकाइनोडर्मेट एंड हेमिकोडेटा. संडे की क्लास लेट इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि सुबह तुम्हारा टेस्ट था, मैंने सोचा आज थोड़ा तो ब्रेक बनता है ना बॉस, तो बट आज लेक्चर दोनों होंगे, दोनों नहीं बल्कि तीनों होंगे, ठीक है? यस, तो अभी हम पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, डिटेल स्टडी करने वाले हैं, आज पूरा मोलस्का कवर करेंगे. सबसे पहले टेस्ट दिया था सबने, टेल मी इन द चैट बॉक्स. आज वीडियो मैसेजेस सबने देखे थे, वीडियो सॉल्यूशंस देखे थे. मैम ट्राइड, जितने मेरे पास क्वेश्चन आए सुबह सुबह, डिंपल एंड सचिन वर्क्ड रियली गुड टुडे इन द मॉर्निंग. कुछ क्वेश्चन में इधर उधर गड़बड़ थी वो मैंने देख लिया है, उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन थे. आई थिंक यू पीपल हैव परफॉर्म्ड रियली गुड. डिंपल प्लीज कल से जो लीडर बोर्ड है हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक वाले जो बच्चे होते हैं हमारे टॉप 10 वाले, प्लीज उसका फोटो पे जरूर शेयर करना, क्योंकि आई वुड पर्सनली लाइक टू अप्रिशिएट ऑल माय किड्स हु आर वर्किंग सो हार्ड, वेकिंग अप यू नो अर्ली एट 8 o'clock एंड डूइंग टेस्ट एवरी डे. So I'm super good. तो बच्चों ये वाला तरीका कैसा था कि you know Telegram group, we are utilizing our Telegram group like 100% now. जितने भी doubts है keep sending to Nimple and Sachin for this week, because next week I will change the monitors of the class and we will utilize Telegram group. तो जितने भी तुम लोग के doubts है ना, अब तुम्हें ये feel नहीं आएगा कि हमारे doubt solve नहीं हो रहे, है ना? अब तुम्हें ये feel नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों देखो नीट के पेपर में भी कुछ डाउट्स ऐसे आते हैं जो आपको हमारी हेल्प जरूरत पड़ती है, ऐसे यहाँ पे भी डाउट्स आते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिससे कि भाई आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाए. तो इसे मैं कह रही हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस अमेजिंग चैनल टचिंग 1 lakh वेरी सून विद द हेल्प ऑफ यू किड्स, बिकॉज एवरी स्टार वॉचिंग अस इज अ स्टार ऑन अनअकैडमी नीट टॉपर चैनल. सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है? उसके बाद बच्चों टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी नीट टॉपर, इसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पे आपको टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं. जो लिंक है यहाँ पे आपको दिया हुआ है टेस्ट सीरीज का, और यहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे. जितने भी डाउट्स है इस हफ्ते के मॉनिटर्स डिंपल एंड सचिन है, नेक्स्ट वीक आई विल चेंज इट, ठीक है? उसके बाद बच्चों ये है हमारी फ्री लाइव मॉक टेस्ट सीरीज जिसका लिंक आपको दिया हुआ है इस वक्त चैट में और कमेंट सेक्शन में. उसके बाद आते हैं बच्चों सब्सक्रिप्शन पे, कोटा के टॉप एजुकेटर्स आर टीचिंग हियर, आई एम ऑल्सो टीचिंग हियर, ठीक है? जितने भी आपको चाहिए कि एक मेरा प्री प्लान पूरा सिलेबस होना चाहिए, कब कौन सी क्लास होने वाली है, कब कौन सा टॉपिक होने वाला है, कब डीपीपी डिस्कशन होने वाला है, कब टेस्ट होने वाला है, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू, दैट इज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, इंस्टॉल पे जाना है, प्लस पे जाना है, नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर आप जीए नीट रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ जरूर जरूर मिलेगा. आप 6 months का ले सकते हो, 12 का ले सकते हो, 24 का ले सकते हो, इट्स अप टू योर विश, ठीक है बच्चों? उसके बाद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है जहां पे आपको पर्सनल कोच मिलता है, पर्सनल मेंटर मिलता है जो आपको हेल्प करेगा आपके डे टू डे डाउट्स में. अब आ जाओ बच्चों पढ़ाई शुरू करते हैं, टाइम आ गया बच्चों, पढ़ाई का टाइम शुरू हो गया. 4 मिनट हो गए, पढ़ाई का टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है बच्चों? आपको पता है द मैम इज ऑन यूट्यूब ऑल द टाइम, ठीक है? अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल अपने क्लास मॉनिटर्स को बोलिए, दे विल, मैंने उन्हें एडमिन बना दिया है,
टेलीग्राम ग्रुप का, फील फ्री टू सेंड योर डाउट्स ऑफ बायोलॉजी, दे विल फॉरवर्ड योर डाउट्स। हमने सिर्फ अभी दो लोग को इसलिए बनाया बेटा क्योंकि कई बार ना मिस हैपनिंग्स हो जाती है, आप समझ रहे हैं ना, मिस हैपनिंग्स हो जाती है ग्रुप्स में, तो हमने सोचा कि हम बहुत ही जिम्मेदार और रेगुलर बच्चों को बनाएं जैसे कि मिस हैपनिंग्स भी ना हो और बच्चों का फायदा हो जाए। नेक्स्ट वीक खेमराज एंड साक्षी विल बी द मॉनिटर्स। ओके चलो बच्चों आज हम मोलस्का करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद मोलस्का। नाउ दिस फाइलम, अब देखो नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल प्यार प्यार से बनाएंगे बच्चों, बिल्कुल भी हल्ला मत करना चैट बॉक्स में, आराम से पढ़ो। तो इफ यू टॉक अबाउट द मोलस्का हियर, सो मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, यस और नो, टेल मी इन द चैट बॉक्स, यस। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोल्ड लेटर्स में एनसीईआरटी ने इसे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इस पे नेक्स्ट चीज पे बच्चे, मोलस्का की कि आखिरी क्या है, इनका कॉमन नेम क्या है, किस साधारण नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें बच्चों, दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। तो ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है बच्चों, ये बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट फील करते हैं जब आप इन्हें छुएंगे तो, ठीक है, यस। उसके बाद बच्चों बेटा देखो मैम के तोते नहीं उड़े हुए हैं, मैं पहले बता दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम के तोते उड़े हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैम इज फुली एनर्जेटिक, ठीक है, लग नहीं रही है वो, मैं भी समझती हूँ बच्चों लग नहीं रही हूँ, बट कोई नहीं, पढ़ाई का टाइम है तो आ जाओ बच्चों, तो अब पढ़ लेते हैं। तोते बिल्कुल नहीं उड़े हुए हैं, बिल्कुल मैम बिल्कुल जबरदस्त जोश में है, ठीक है, यस ओके। तो मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है बच्चों, और इसके बारे में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जनरल कैरेक्टर्स, तो आओ जनरल कैरेक्टर्स लिखते हैं बच्चों, लेट्स राइट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मोलस्का। तो सबसे पहला हम कौन सा लिखते हैं बच्चों, हैबिटेट, क्या ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, यस ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं लाइक स्नेल्स, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे बच्चों दे कैन बी टेरेस्ट्रियल, क्या ये पानी में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, दे कैन बी एक्वेटिक, और एक्वेटिक में दे कैन बी फ्रेश वाटर एंड दे कैन बी मरीन वाटर एनिमल्स। तो ये फ्रेश वाटर एनिमल्स भी हो सकते हैं, ये मरीन वाटर एनिमल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों हैबिटेट एंड हैबिटेट के बाद आते हैं, तो हम आते हैं किस पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। So let's come to the level of organization. क्या है बच्चों, organ system level. कौन सा बच्चों, organ system. कौन सा है, organ system. उसके बाद आते हैं बच्चों symmetry. तो generally इनकी symmetry कौन सी होती है, राइट इन द चैट बॉक्स। तो अगर जनरली देखा जाए तो इनकी symmetry bilateral symmetry होती है, कौन सी होती है, bilateral symmetry. बट एक गैस्ट्रोपोडा भी होता है जो एसिमेट्रिकल इन नेचर होता है। सो जो हमारी क्लास है बच्चों गैस्ट्रोपोडा की, दिस इज एसिमेट्रिकल इन नेचर, क्या है बच्चों, एसिमेट्रिकल इन नेचर। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि गैस्ट्रोपोडा जिसमें शंख आता है, शंख आपने देखा होगा जो बजाते हुए अक्सर, ठीक है, तो वो जो शंख वाले है ना जितने भी जीव है वो एसिमेट्रिकल इन नेचर होते हैं, बाकी सब में आपको बायलेटरल सिमेट्री मिल जाएगी। उसके बाद सिमेट्री के बाद आते हैं हम जर्म लेयर्स एंड बॉडी प्लान पे। तो अगर जर्म लेयर्स की बात करें तो बच्चों यहाँ पे तीन जर्म लेयर्स होते हैं, सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर व्हाट मेरे बच्चों, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद अगर हम बॉडी प्लान पे आए तो दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ठीक है, कौन सा प्लान होता है बच्चों इनके पास, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर दे प्रोटोस्ट्रोमेट्स और ड्यूटेरोस्ट्रोमेट्स। चलो मैंने आपसे हमेशा कहा है मेरे से पहले जवाब देने की कोशिश किया करो हर क्वेश्चन का, तो यहां पे बताइए, यस बच्चों यहाँ पे बताइए प्रोटोस्ट्रोमेट्स या ड्यूटेरोस्ट्रोमेट्स, ऑफ कोर्स दे आर व्हाट बच्चों, दे आर प्रोटोस्ट्रोमेट्स, दे आर व्हाट, प्रोटोस्ट्रोमेट्स, ये क्या होते हैं मेरे बच्चों, दे आर प्रोटोस्ट्रोमेट्स, ठीक है। अब आते हैं इस पे नेक्स्ट पे, आफ्टर जर्मलेस बॉडी प्लान दैट इज सीलोम। तो आ जाओ आप सीलोम पे आते हैं, और अगर सीलोम की बात करें तो दे आर शाइजोसिलोमेट्स, दे आर व्हाट, दे आर शाइजोसिलोमेट्स, ठीक है बच्चों। अब आते हैं लास्ट पे, आफ्टर सीलोम वी हैव दैट इज सेगमेंटेशन। बच्चों सेगमेंटेशन प्रेजेंट और एब्सेंट, टेल मी इन द चैट बॉक्स, यस सेगमेंटेशन प्रेजेंट और एब्सेंट, टेल मी इन द चैट बॉक्स, कम ऑन बी क्विक, जोश का है आज, यस बताइए। तो अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन इज एब्सेंट एक्सेप्ट नियोपिलीना। तो यहां पे मैम ने लिखा है एब्सेंट, बट उसके साथ मैम ने लिखा है एक्सेप्ट नियोपिलीना।
नियोपिलीना, यस मेरे बच्चों, तो नियोपिलीना क्या है? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनेलिडा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो यहां पे नियोपिलीना क्या है उसके बारे में लिखिए साहब. इट इज अ कनेक्टिंग, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनेलिडा, बिटवीन मोलस्का एंड एनेलिडा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो सिंस ये कनेक्टिंग लिंक है मोलस्का और एनेलिडा के बीच में, तो एनेलिडा क्या होते हैं बच्चों? एनेलिडा क्या होते हैं? सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं. तो इसलिए नियोपिलीना भी क्या है? सेगमेंटेड. क्या है बच्चों? ये भी क्या है? सेगमेंटेड. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, इट्स टिपिकल कैरेक्टर्स. सो सब बच्चे नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे टिपिकल कैरेक्टर्स, टिपिकल कैरेक्टर्स. अब बच्चों क्या बनाएंगे हम? डायग्राम. क्या बनाएंगे बच्चों? हम डायग्राम. और आज का जो डायग्राम बनेगा ना बेटा, प्लीज थोड़ी इज्जत रख लेना जी स्क्वायर की, क्योंकि देखो ये जो डायग्राम है ना, मुझे पता है जब मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाती थी तो बहुत हंसते थे बच्चे. आज मैं बनाऊंगी तो आज तो तुम पता नहीं क्या ही कर दोगे. यस बच्चों, तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाने वाली हूँ. ठीक है, डायग्राम के साथ थोड़ी ढाई ग्राम की इज्जत भी रख लेना. ठीक है, यस. पहले हंसना शुरू हो गए, इतने नालायक बच्चे, इतने नालायक बच्चे. तो बच्चों अब स्टंट्स शुरू होने वाले हैं, सब तैयार रहे, स्टंट्स आर गोना बिगिन. ठीक है, तो प्लीज अपने रिस्क पर ये स्टंट्स परफॉर्म करें खुद से. तो यहाँ पे सबसे पहले मैम ने एक मुंह बनाने की कोशिश किया. बच्चों कैसे बना है बच्चों मुंह? यस, बढ़िया बना ना. यस, तो देखो बेटा इतना तो मैम ने बना लिया, इतना तो मैम ने बना लिया है. यहाँ पे इसकी दो आंखें बना देते हैं क्योंकि इसकी आंखें स्टॉक्ड होती है. यहाँ पे हमने दो टेंटिकल्स बना दिए. मुंह तो आपको दिख ही रहा है, सुंदर सुनहरा मुंह है बच्चों. ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन बना रहे हैं जिसे हम रेड्यूला कहते हैं. ये क्या है? फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन जिसे हम रेड्यूला बोल रहे हैं. बच्चों तुम्हें ये बात तो माननी पड़ेगी, जी स्क्वायर हैज गॉट द मैक्सिमम गट्स कि वो यूट्यूब पे भी ऐसे डायग्राम बना के आपको पढ़ा सकते हैं. ये बात आपको माननी पड़ेगी दैट जी स्क्वायर रियली हैज गॉट सम गट्स कि ऐसे भद्दा डायग्राम बनाने के बाद भी यू नो आई कैन टीच. यस यस बच्चों, अब आगे बच्चों यहाँ पे This is calcareous shell. तो इसकी बॉडी के ऊपर हमेशा इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है बच्चों? calcareous shell. ठीक है, और जो ये लेयर है जहां पे कैल्शियम वाले ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, दिस लेयर इज कॉल्ड एज मैंटल. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मैंटल. मैंटल का दूसरा नाम होता है पैलियम. क्या होता है बच्चों? मैंटल का दूसरा नाम पैलियम. ठीक है, यस बच्चों. अब जरा हमने इसका मुंह तो बना ही दिया, रेड्यूला भी बना दिया बच्चों. ठीक है, यस. अब जरा इसका पेट वेट बना दे. चलो आओ, पेट वेट बना देते और ये बना देते उसका एनस. तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया उसका एनस. ठीक है, यहां से क्या है? जितना भी गंद है वो बाहर निकलेगा. ठीक है, बिल्कुल. तो ये हो गया एनस. ठीक है, ये हो गया बच्चों इसके विसरल ऑर्गन. ये हो गया इसका विसरल ऑर्गन्स. और विसरल ऑर्गन और मैंटल के बीच में जो कैविटी होती है मेरे बच्चों, उस कैविटी को क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल दिस कैविटी बिटवीन विसरल hump and mantle? This cavity is called as mantle cavity. What do you call this cavity bachcho? Mantle cavity. Kya bolte hai isko? Mantle cavity ya pallial cavity. Aur yahi pe is wale area mein iske paas na filamentous gill like structures hote hai. New species discovered by G square. To bachcho aaj shant ho gaya nahi ho gaya pehle ye bata do chat box mein. Yes, आज शांत हो गए या नहीं हो गए मुझे ये बता दो. कबूतर जा जा जा, मतलब तुम्हें खुशी नहीं होती ना कि मैं कुछ बना दूं डायग्राम और तुम ऐसे करते हो यार. ओके, तो यहाँ पे आई एम मेकिंग दिस फिलामेंटस गिल लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड एज टीनिडिया. व्हाट डू यू कॉल दिस? टीनिडिया, विच आर फिलामेंटस गिल लाइक स्ट्रक्चर. गिल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है बच्चों, एंड दिस इज फुट. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मस्कुलर फुट. इसे हम क्या कहते हैं? मस्कुलर फुट. तो पहले तो सबने डायग्राम बना लिया, तो एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो. चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों. तो पहले तो ये डायग्राम है पूरा बॉडी का पैटर्न समझाने के लिए. सो दिस डायग्राम वॉज देयर टू एक्सप्लेन यू द पैटर्न ऑफ द बॉडी. अब हम इसी को डिटेल में करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहला जो हम टिपिकल कैरेक्टर हमेशा कौन सा उठाते हैं बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम.
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखने वाले फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट, इनकम्प्लीट, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। आज तुम मुझे जवाब बताओगे, मैं जवाब नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे तो आता है, आज तुम्हें सिखाना जरूरी है। कंप्लीट, इनकम्प्लीट, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, चलिए बताइए जल्दी से। सागर ठाकुर, यस एवरीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स। तो यहाँ पे पहली चीज, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि क्या था, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान था। And since they are more higher in the hierarchy, so they will have extra cellular digestion. They will have extra cellular digestion. And the very, very famous feature they have is radula. And what is radula, mere bachcho? Written in NCERT, radula is a file-like grasping organ. Kya hota hai bachcho? File-like grasping organ. और इसका क्या फंक्शन होता है बच्चों? ये खाने को पकड़ के रखता है। किसको पकड़ के रखता है? खाने को पकड़ के रखता है। जैसे तुम लाइव लोकेशन लेकर अपने वाले को पकड़ के रखते हो ना, वैसे ये खाने को पकड़ने के लिए रेडुला का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड बच्चों, दैट इज रेस्पिरेशन। लेट्स कम टू द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए अभी मैम ने एक चीज बताई थी, व्हाट दे हैव फॉर रेस्पिरेशन, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दे हैव फिलामेंटस गिल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टिनिडियास। ठीक है, सो दे हैव टिनिडियास व्हिच आर फिलामेंटस गिल लाइक स्ट्रक्चर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है मैम, आप भी करते हो ना ऐसा? ओके अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, ये हो गया टिनिडियास हो गया। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों? रेस्पिरेशन के लिए दे हैव गिल्स आल्सो, दे हैव गिल्स आल्सो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बच्चों, आफ्टर रेस्पिरेशन वी ऑलवेज डू द सर्कुलेशन। ठीक है, तो आ जाते हैं अब सर्कुलेशन पे। लेट्स कम टू द सर्कुलेशन। तो अगर सर्कुलेशन की बात करें तो मोस्टली दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मोस्टली दे हैव व्हाट बच्चों? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सेप्ट फॉर क्लास सेफालोपोडा। ठीक है, सो जनरली दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर क्लास गैस्ट्रोपोडा, सॉरी सेफालोपोडा, सेफालोपोडा। अच्छा बच्चों, सेफालोपोडा में कौन कौन आता है जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में। यस, कौन कौन आता है बच्चों सेफालोपोडा में? सेफालोपोडा में आता है आपका ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस अगर पूछ लिया जाए तो उसमें कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम मार्क करके आओगे जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। एवरीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स। तो अगर बाकी क्लासेस की बात हो रही है, अरे यार यस बेटा, अगर बाकी क्लासेस की बात हो रही है तो आप आंसर क्या देख कर आओगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बट अगर सेफालोपोड्स की बात हो रही है, और सेफालोपोड्स में कौन आते हैं बच्चों? सेफालोपोड्स में आते हैं आपके ऑक्टोपस। अगर ऑक्टोपस का पूछेगा तो आपको क्या लिख के आना है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। ठीक है, अब इसके बाद सर्कुलेशन हो गया। अब सर्कुलेशन के बाद हम आते हैं एक्सक्रीशन पे। तो फोर्थ लिख देते हम एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए भी वही है जो रेस्पिरेशन के लिए था, दैट इज टिनिडियास। तो टिनिडियास के दो फंक्शन है, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा और ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो पहला यहां पर लिखेंगे टिनिडिया, उसके बाद लिखेंगे ऑर्गन ऑफ बजानस। फिर क्या लिखेंगे बच्चों? ऑर्गन ऑफ बजानस। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑर्गन ऑफ बजानस। ऑर्गन ऑफ बजानस किस में हेल्प करेगा? एक्सक्रीशन में। और इसके बाद तीसरा क्या है? कीबर्स ऑर्गन। कौन सा है तीसरा बच्चों? कीबर्स ऑर्गन। तो ये कीबर्स ऑर्गन हेल्प करेंगे एक्सक्रीशन में, ऑर्गन ऑफ बजानस हेल्प करेगा, और टिनिडिया हेल्प करेगा। राइट मेरे बच्चों, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आ जाओ फिफ्थ पे आ जाओ। आफ्टर एक्सक्रीशन वी विल डू नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। तो आ जाओ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। बेटा नर्वस सिस्टम कैसा होगा इसका? सिंपल, दे हैव वेरी सिंपल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, वेरी सिंपल type of nervous system which includes ganglia, which includes ganglia, and what are ganglia? Write in the chat box, everybody write in the chat box। तो अगर हम ganglia की बात करें तो इसका मतलब हम किसकी बात करें? Collection of cell bodies। किसकी बात करें? Collection of cell bodies। ठीक है, उसके बाद बच्चों इनके पास sense organ में, पानी में है तो stratocyst, पानी में है तो stratocyst। ठीक है, एंड दे हैव आईज ऑल्सो, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज, है ना? यस, दे हैव गॉट स्टॉक्ड
eyes as well. Stalked eyes as well. ठीक है, they have tentacles also. They have tentacles also. तो ये सारी चीजें इसके पास होती है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन बेटा, अगर रिप्रोडक्शन की बात आए तो क्या सारे यूनिसेक्सुअल होते हैं? ना जी ना, कुछ बाइसेक्सुअल भी होते हैं और कुछ यूनिसेक्सुअल भी होते हैं. तो यहां पे हम लिखेंगे बोथ, दे कैन बी बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल. तो ये दोनों हो सकते हैं. ठीक है, फिर आते हैं बच्चों नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन. दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है एंड एक्सटर्नल भी हो सकती है. अब आते हैं डेवलपमेंट पे. अगर डेवलपमेंट की बात करें तो दोनों तरह की डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट भी हो सकती है एंड इनडायरेक्ट भी हो सकती है. और अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका? वेलिजर लार्वा, वेलिजर. फिर कौन सा है? ट्रोकोफोर. क्या है फिर? ट्रोकोफोर. ठीक है, फिर तीसरा कौन सा है? ग्लॉचिडियम, ग्लॉचिडियम. तीन तरह के लार्वा इनके हो सकते हैं. लिखा सबने? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, क्योंकि अब ना मैं अच्छी अच्छी स्टोरीज बताऊंगी तुम्हें थोड़ी बहुत. अभी ना आपको एक्चुअली मैं एनिमल किंगडम की ब्यूटी बताने वाली हूँ जस्ट आफ्टर वन मिनट, तो जल्दी से बताओ. नैन्सी तो हिंदी सीख गई, नैन्सी हिंदी सीख गई, उसने लिखना शुरू कर दिया निशेचन. बेटा इट्स वेरी गुड, यू लर्न हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो एट द सेम टाइम. देखो कभी भी हमें ना अपने आप को स्टॉप नहीं करना चाहिए. अगर मैंने अपने आप को स्टॉप किया होता तो शायद मैं हिंदी मीडियम ऐसे नहीं पढ़ा पाती. यू नो बीइंग अ वर्सेटाइल पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. यस बिल्कुल, चलो आ जाओ. अब यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स आपको बताएंगे क्योंकि ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए एंड प्लस योर नॉलेज ऑल्सो. तो सबसे पहले एग्जाम्पल में टूडे आई विल बी स्टार्टिंग विद ऑक्टोपस. ऑक्टोपस को हम बेताल मछली कहते हैं. क्या कहते हैं मेरे बच्चों इसे? बेताल मछली हिंदी में. और बेताल मछली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेविल फिश. क्या कहते हैं बच्चों? डेविल फिश. ठीक है, अब इसे ऑक्टोपस क्यों बोल रहे हैं? ऑक्टा मतलब आठ, इसके आठ पैर है जो इसके सर से जुड़े हुए हैं. ठीक है, आठ पैर जो इसके सर से जुड़े हुए हैं. ऑक्टोपस हैव गॉट क्रोमैटोफोर्स ऑन द स्किन. कौन से सेल्स बोले हैं मैम ने? बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में. क्रोमैटोफोर्स. ठीक है, और इन क्रोमैटोफोर्स की मदद से ये शो करता है परफेक्ट कैमोफ्लाज. क्या शो करता है बच्चों? परफेक्ट कैमोफ्लाज. ठीक है, तो यहां पे इसकी स्किन के पास होते हैं क्रोमैटोफोर्स. क्रोमैटोफोर्स ठीक है, अब जो है ये क्रोमैटोफोर से हेल्प करते हैं किसमें? कैमोफ्लाज में. किसमें हेल्प करते हैं बच्चों? कैमोफ्लाज में. और कैमोफ्लाज इज द वे टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. यस, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए ये बाहर के वातावरण को ही अपनी स्किन की तरह बना लेता है. ठीक है, फिर इसके बाद ऑक्टोपस पे आए बच्चों. तो ऑक्टोपस आए इज होमोलोगस और एनालोगस टू ह्यूमन आए. जल्दी से बताओ, एवोल्यूशन का क्वेश्चन है, एवरेज टू टॉपर सीरीज में हम कर चुके हैं. तो जल्दी से एवरीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स. Yes, बच्चों, everybody tell me in the chat box. Analogous लिखूं या homologous लिखूं? Eye of octopus is analogous. Very good, Anas. Very good. Analogous to human eye. ठीक है? और बच्चों ये बहुत ही इंटेलिजेंट भी होता है. वेरी इंटेलिजेंट एनिमल, वेरी वेरी इंटेलिजेंट एनिमल. तो यहाँ पे इंटेलिजेंट भी लिख देते हैं क्योंकि होता है तो होता है भाई, इंटेलिजेंट है तो है. इसमें आप शर्माने की क्या बात है ना? यस बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा ऑक्टोपस. अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे, विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दैट इज सीपिया. सीपिया का कॉमन नेम, एवरीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द कॉमन नेम? दैट इज, बेटा नहीं, मिमिक्री एंड कैमोफ्लाज सेम और डिफरेंट? तुम लोग के बेसिक्स क्लियर नहीं होते इसलिए तुम लोग ना कई बार मार खा जाते हो मेरे बच्चों. यस yes. तो आपको पहले तो मुझे ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू मिमिक्री एंड कैमोफ्लाज आर डिफरेंट और सेम? बताओ बताओ बताओ. निशी बहुत बेकार सा जोक था बेटा ये वाला. दे आर डिफरेंट. अब मैं बताती हूँ कैसे डिफरेंट. एग्जाम्पल दे दू, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल तुम्हें देती हूँ. ठीक है, अब कल को मान लो हमारे चैट बॉक्स में से हम ले लेते हैं एक, यार थोड़ी धीरे चैट करो बच्चों, यार बहुत तेज आ रहे. एक बच्चे का नाम नहीं निकाल पा रही मैं, गोल्डन चौधरी. अभी गोल्डन सर आएंगे,
अभी गोल्डन सर बिल्कुल जी स्क्वायर की तरह ऐसे ही पढ़ाएंगे, यू नो, ठीक है। तो गोल्डन सर इस वक्त क्या कर रहे हैं, जी स्क्वायर को कॉपी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मिमिक्री, ठीक है। यस, बट अगर गोल्डन सर बिल्कुल अन अकेडमी की टी शर्ट पहन के साथ में बैठ गए, बाल बाल भी ऐसे ही बना लिए बिल्कुल, तो अभी गोल्डन सर दूर से लगेंगे अरे तो जी स्क्वायर है, दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज, क्योंकि आप दूर से पहचान नहीं पा रहे कि भाई डिफरेंट है या रियल है। अभी अब गोल्डन सर दूसरे कपड़े पहन के मैम को कॉपी करेंगे तो दिस इज कॉल्ड मिमिक्री, ठीक है। मैम जैसे पढ़ा रही बिल्कुल वैसे ही बोलने की कोशिश करेंगे, बोल नहीं पाएंगे बिकॉज दिस इज माई ओन नेचुरल वे हाउ आई स्पीक, ठीक है। बट अगर कॉपी कर रहे हैं तो दिस इज मिमिक्री, बट अगर सेम एक जैसे ही वस्तु, यू नो, वस्त्र पहन के सामने खड़े हो गए, बाल बाल खोल के गोल्डन सर खड़े हो गए, तो गोल्डन सर भाई वही बात हो जाएगी ना, दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज, दिस इज कैमोफ्लेज। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिफरेंशिएट बिटवीन मिमिक्री कैमोफ्लेज, ठीक है। यस, बिल्कुल। तो इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों, कटल फिश, ये हमारी कटल फिश, ठीक है। कटल नहीं लिखा है, कटल लिखे हैं, ठीक है। कटहल भी नहीं लिखे हैं, जो बच्चे नाम बनाते हैं नाम बिगाड़ने वाले कुछ बच्चे होते हैं, आई नो दैट। ये कटल फिश है बेटा, ना ये कटहल है ना ये कटल है, ठीक है। सीपिया, अब ये क्या होती है, सीपिया बहुत ही धोखेबाज मछली होती है। कैसे है ये धोखेबाज मछली, मछली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फिश है नाम में, बट है ये मोलस्का, तो पहला धोखा तो ये समझो, धोखेबाज, ठीक है। अब यहां पे क्या है, इनके पास होते इंक ग्लैंड्स, ठीक है। क्या होते हैं मेरे बच्चों, इनके पास इंक ग्लैंड्स, ठीक है। यस, वो आपने देखा होगा ना मूवीज में दिखाते हैं कि वो आ रहा होता है रंग लगाने के लिए होली वाले दिन पे, ठीक है। फिर जैसे आ रहा होता है ना ऐसे रंग लगाने के लिए, फिर एकदम से लड़की रंग लेती है और ऐसे करके हा 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 शर्मा के चली जाती है। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। अभी क्या है ना, कटल फिश क्या है कि उसको उसको बच उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अभी वो कह रही है आजा आजा, फिर उसके बाद वो सीधा एक इंक का क्या गुब्बारा फेंकी गया ऐसे ठश, तो जैसे इंक फटेगा बच्चों तो अभी क्या होगा, पहचान ही नहीं पाएंगे कहां गई कहां गई कहां गई, और इतने में वो फुर। सो दिस इज अ नेचुरल वे ऑफ डिफेंस व्हिच इज इनबिल्ट इनसाइड द कटल फिश, ठीक है। यस मेरे बच्चों, चलो आ जाओ। मैम आपका नाम शीतल है, इट्स टाइम टू लीव द प्लैनेट, माय नेम इज जी स्क्वायर, चलो आ जाओ। इंग्लैंड्स का क्या है बच्चों, नेचुरल वे ऑफ डिफेंस, नेचुरल वे ऑफ डिफेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंग्लैंड्स आर देयर, अभी अभी जो मैंने एग्जांपल बताया देखना कभी नहीं भूलोगे, तुम्हें ऐसी बातें याद रहती है। आई नो तुम लोग बहुत वीडियोस बनाते हो, सब कुछ मैं जानती हूँ, बट बेटा तुम्हें याद कराने का असली तरीका यही है, तुम और चीजें याद भी तो नहीं करते। अब आ जाओ तीसरे एग्जाम्पल में आते हैं, लॉलीगो। अब लॉलीगो क्या है आपका, चलिए बताइए। यस, व्हाट इज लॉलीगो, ये आपका स्क्विड है, ठीक है। ये क्या है, स्क्विड। कुछ स्क्विड्स ऐसे भी होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, ये भी आपका एक लॉलीगो है, ठीक है। काफी सारे इसके पैर भी होते हैं, स्क्विड है ये, बड़ा ही सॉफ्ट सा एनिमल है ये, बहुत सॉफ्ट सा, इट इज वेरी सॉफ्ट एनिमल, ठीक है बच्चों। और एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं, पर्ल ऑयस्टर्स, जिसे क्या बोलते हैं, पिनक्टाडा, ठीक है, एक्सेंट में बोलिए पिनक्टाडा। तो यहां पर हम लिख देते हैं पिनक्टाडा, विच आर पर्ल ऑयस्टर्स, पर्ल ऑयस्टर्स। अभी कुछ लोग इसको खाते हैं, कुछ लोग आपको पता है मोती की माला पहनते हैं, यस ये सब होता है बेटा, मोती वोती की माला वाला सब बढ़िया से पहनते हैं, तो दीज आर पिनक्टाडास, ठीक है। इसके बाद और एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, एप्लीशिया, एप्लीशिया सी हेयर, सी हेयर, ठीक है। अभी सी हेयर कैसे दिखता है मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करा देती हूँ। आप देखते होंगे बच्चों बचपन में ना वो एक स्लाइम मोल्ड आता था, आपने देखा होगा वो स्लाइम, स्लाइम सा, उसको बॉक्स से निकालो वो कुछ भी ऐसे ऐसे शेप ले लेता था, आपने खेला उसके साथ, है ना। जैसे उसको पकड़ा वो ऐसे 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 गिलगिला सा होता है, उसको मारो किसी के मुंह पे ऐसे छप जाता था, है ना। यस बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल एप्लीशिया वैसे ही दिखता है, इसलिए हम इसे सी हेयर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। पायला ले लेते हैं, एप्पल स्नेल, वी हैव एप्पल स्नेल एज पायला बच्चों, ठीक है बिल्कुल। फिर बच्चों इसके बाद हम ले लेते हैं नॉटिलस, वी हैव नॉटिलस आल्सो एज एन एग्जांपल ऑफ मोलस्का। तो ये सारे एग्जांपल्स है बच्चों व्हिच यू नीड टू रिमेंबर फॉर एग्जाम। सो आर वी डन विद दिस, कैन वी स्टार्ट विद इकाइनोडर्मेटा नाउ, एवरीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स। बहुत हंस रहे हो आज तुम, एनिमल किंगडम कभी तुमने इतना हंसे, तुम एनिमल किंगडम में बताना जरा, वो तो लगता नहीं। एनिमल किंगडम में मुझे याद है जब मैं पढ़ाती थी बच्चे सोते थे और यहां पे बच्चे हंस रहे हैं। इकाइनोडर्मेटा,
So let's move on to the next topic in details, which we are going to do, which is very important phylum for NEET exam. क्योंकि यहाँ से maximum question बनते हैं बच्चों, Echinodermata. So E से कुछ चीजें मैं याद कराने की तुम्हें कोशिश कर रही हूँ, उसे याद करना. जैसे जैसे मैम ट्रिक लिख रही है वैसे वैसे तुम भी लिखना, ठीक है? आ जाओ, देखो ये है इसकी ट्रिक. क्या है इसकी ट्रिक? ये, ठीक है, ये है इसकी ट्रिक. अब कैसे, अब देखना कैसे तुम्हें याद कराती हूँ. E से एक्सक्लूसिवली मरीन, E से एंटेरोसीलोम. कुछ वर्ड्स याद हो रहे? याद हो रहे बेटा? अगर रिलेट नहीं किया ना तो एनिमल किंगडम तुम्हारी बैंड बजा देगा. यस, तो देखो E से काइनोडर्मेटा, E से एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, E से इसके पास एंटेरोसीलोम होता है, ठीक है, और E से पहले D आता है, तो D माने ड्यूटेरोस्टोमेट, ड्यूटेरोस्टोमेट. तो ये कुछ चीजें हैं जो पहली बार इस फाइलम से स्टार्ट होने वाली है. दीज आर द कंडीशन, जो कुछ कंडीशन जो पहली बार इस फाइलम से स्टार्ट होगी. तो इन्हें स्पाइनी स्किन एनिमल्स कहते हैं, स्पाइनी स्किन एनिमल्स, स्पाइनी स्किन एनिमल्स, यानी कि कांटे वाले साथी होते हैं ना. तुम्हारे जीवन में भी होंगे कुछ जो ऊपर से सॉफ्ट लगते हैं बट कांटे जैसे होते हैं, ये वही है बच्चों, ठीक है. अब आते हैं, सबसे पहले हम हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों? हमेशा जनरल कैरेक्टर से. किससे स्टार्ट करते हैं? हमेशा जनरल कैरेक्टर से. तो लेट्स कम टू जनरल कैरेक्टर्स, जिसमें सबसे पहले हम हमेशा कौन सा लेते हैं बच्चों? हैबिटैट. तो हैबिटैट हैबिटैट पे आते हैं, लेट्स कम टू हैबिटैट हैबिटैट. तो जैसे कि मैम ने यहाँ पे लिखी दिया है, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, हमेशा एक्वेटिक होंगे. तो यहाँ पे आ जाते हैं हम एक्वेटिक और मरीन वाटर, ठीक है. अब आते हैं ये कॉलोनीज में रहते हैं, सॉलिटरी, बोथ बोथ बोथ, ठीक है. तो ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, जो तुम हो, सिंगल, ठीक है. यस, अब आते हैं बच्चों सेकंड पे. लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे. क्या है इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? टेल मी इन द चैट बॉक्स. यस, बता दो क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका? है ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑर्गन सिस्टम. फिर उसके बाद आते हैं सिमेट्री, और सिमेट्री का क्वेश्चन तो अक्सर नीट वालों का फेवरेट सवाल है, एनटी का फेवरेट क्वेश्चन है कि बचपन में, यस एडल्ट्स, ठीक है. तो यहाँ पे बचपन की बात करें तो लार्वा इज मोर एडवांस बिकॉज इट शोज बायलेटरल सिमेट्री. वहीं पे एडल्ट्स आर नॉट दैट मच एडवांस सो दे शो रेडियल सिमेट्री. इसको मैम बॉक्स में डाल रही है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, जर्म लेयर्स एंड बॉडी प्लान. तो कितनी जर्म लेयर्स है? ऑफकोर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये, तो यहां पे लिख देते हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. बॉडी प्लान की बात करें तो दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. दे हैव व्हाट? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, बॉडी प्लान. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कौन सी कंडीशन आई है मेरे बच्चों? ड्यूटेरोस्टोमेट्स, ठीक है. कौन सी आई है? ड्यूटेरोस्टोमेट्स. तो ये पहली बार आया है, ठीक है. एंड एक क्लास ऐसी होती है जिसके पास ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, और वो कौन सी क्लास है? ऑफिरोइडी. ये जो क्लास है इसकी, इसके पास ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है. कौन सा बच्चों? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, सीलोम. फॉर द फर्स्ट टाइम एंटेरोसीलोम एंड सेगमेंटेशन इज एब्सेंट, इट इज एब्सेंट. लिखा? चलो बेटा अब हम सिखाएंगे तुम्हें वॉटर वैस्कुलर सिस्टम. अगर ये लिख लिया है तो एक बार थम्स अप बनाओ, लाइक करो सेशन को. एवरीबडी लाइक द सेशन बच्चों. यस, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों. मैम ऑक्टोपस हैज इन ग्लैंड्स और नॉट? आई डोंट थिंक सो. हाँ, उनके पास क्रोमाटोफोर्स होते हैं, बट आई रियली नीड टू चेक दिस बच्चों. यस, आ जाओ. तो अब सिंस थम्स अप बच्चों के आ गए, तो अब हम बच्चों को समझाएंगे वॉटर वैस्कुलर सिस्टम. सो द नेक्स्ट टिपिकल कैरेक्टर विच वी आर गोना टेक इन डिटेल इज वॉटर वैस्कुलर सिस्टम.
जिसको एम्बुलेक्रल सिस्टम भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? देखो दोनों वर्ड्स बता रहे हो जिससे तुम धोखा ना खा लो बस एग्जाम में। दूसरा क्या बच्चों? एम्बुलेक्रल सिस्टम, एम्बुलेक्रल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आओ तुम्हें अब समझाती हूँ कैसे समझाते हैं। चलिए हाथ निकालिए अपने बाहर, एवरीबडी टेक आउट योर हैंड्स, निकालिए तो बोलो यस। हाथ निकालिए सबने, ठीक है? यस। आप देखो ये पांच उंगलियां हैं, ये पांच आर्म्स है, आपका हाथ हाथ नहीं है, स्टार फिश है। देखो पूरा समझा रही हूं, ढंग से समझ लेना आज। ये हाथ हाथ नहीं है, ये स्टार फिश है, क्योंकि स्टार फिश के पास भी पांच आर्म्स होते हैं, आपके हाथ के पास भी पांच उंगलियां है। तो ये हाथ नहीं है, ये स्टार फिश है। अभी स्टार फिश ऐसे तैर रही है पानी में, कहां पे तैर रही है स्टार फिश? पानी में। ये वाली साइड उसकी वेंट्रल है, ये वाली साइड उसकी डोर्सल है। समझ आ रहा है? अपने हाथ को देखिए, दूसरों के हाथों पे नजर मत डाला करो नालायको। यस, तो यहां पे आप देखिए, दिस इज योर स्टार फिश, यू हैव गॉट फाइव फिंगर्स मींस फाइव आर्म्स, और यहां पे दिस साइड इज योर वेंट्रल साइड, ये वाला साइड इज डोर्सल साइड, ठीक है? डोर्सल साइड पे एनस है, वेंट्रल साइड पे माउथ है। तो खाना यहां से जाएगा, डाइजेस्ट होके यहां से निकलेगा। तो पहली चीज जो एनसीईआरटी में लिखी है वो यही लिखी है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ माउथ एंड एनस। तो अगर हाथ याद है तो रटने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या प्रेजेंट है? माउथ। यहां पे क्या है? माउथ। याद कैसे करेंगे? खाना तो ऐसे खाएंगे ना, खाना तो ऐसे खाएंगे। अब देखो फिंगर्स ऐसे पकड़ रही है ना, तो खाना यहां पर जाएगा, तो हमेशा माउथ यहां पर होगा वेंट्रल लोकेशन पे, और एनस कहां होगा? इस साइड डॉर्सल पे। अब आते हैं इसके वाटर के, वाटर वैस्कुलर सिस्टम को समझते हैं। अब वाटर वैस्कुलर सिस्टम में एक होता है मेड्रिपोराइट, अपन हिंदी में देसी भाषा में बोले तो छन्नी, ठीक है? तो यहां पे जेठालाल आओ देखो इधर, तो यहां पे क्या है? मेड्रिपोराइट है, यहां पे छन्नी है। तो पानी छन 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 करके अंदर आएगा। कैसे आएगा मेरे बच्चों, बोलो मेरे साथ, छन 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 करके आएगा, ठीक है? जैसे ही पानी छन छन करके अंदर आया, अब वो इन वाले केनाल्स में जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले वो कहां जा रहा है? ये वाले केनाल्स पे, ये वाले रिंग केनाल पे। रिंग केनाल से वो कहां जाएगा? आर्म्स में जाएगा। और आर्म्स के केनाल कौन से? रेडियल केनाल्स। और रेडियल केनाल से क्या अटैच्ड है आपका? ट्यूब फीट। तो वापस बता रही हूं पूरी बॉडी, एक बार ध्यान से सुन लो। सबसे पहले ये क्या है? स्टारफिश। स्टारफिश ऐसे तैर रही है, ठीक है? ये उसका वेंट्रल, ये उसका डॉर्सल, ठीक है? यहां से ऐसे खाना खाएगी तो माउथ हमेशा वेंट्रल पोजीशन पे होगा, एनस हमेशा डॉर्सल पोजीशन पे होगा, ठीक है? पानी के लिए छन्नी कहां लगी है? डॉर्सल साइड लगी है। छन्नी का अंग्रेजी नाम है मेड्रिपोराइट। क्या नाम है? छन्नी का अंग्रेजी नाम मेड्रिपोराइट। अभी पानी छन के अंदर जाएगा, तो पहले वो रिंग केनाल में जाएगा, रिंग केनाल से वो रेडियल केनाल्स में जाएगा, यानी आर्म्स में जाएगा, फिर ट्यूब फीट के पास जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। अब मैं डायग्राम बना रही हूं, नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ डायग्राम। अब सब बच्चे मेरे साथ डायग्राम बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जैसा भी बनेगा अच्छा बनाएंगे, ठीक है? चलो आ जाओ बेटा। एनसीईआरटी की ना एक लाइन समझाने के लिए इतनी मेहनत चल रही है, देखो सीधा बता रही हूं, एनसीईआरटी की एक लाइन को समझाने के लिए, याद कराने के लिए पूरा डायग्राम बना रही हूं। ओके, ठीक है? इतना बनाया सबने? तो ये तो हो गया रिंग केनाल, ये हो गया उसके रेडियल केनाल्स। अब हम इसके साइड वाले केनाल्स पे बनाने वाले, यानी लेटरल केनाल्स। ये कौन से बच्चों? लेटरल। और लेटरल केनाल से क्या अटैच है? ट्यूब फीट। तो यहां पे ट्यूब फीट बनाते हैं, ओके okay, देखा आपने डायग्राम देख रहे हो? अब देखो सारी चीजें लेबल करते हैं वन बाय वन, लेट्स लेबल एवरीथिंग। तो यहां पे ये है छन्नी। बेटा छन्नी का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द छन्नी? चलो बोलो, रिपीट आफ्टर मी। यस, बिल्कुल। तो छन्नी का नाम क्या बच्चों? मेड्रिपोराइट। दिस इज योर मेड्रिपोराइट, जहां से पानी एंटर करेगा छन के। सो इट इज अ सीव लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ सीव लाइक स्ट्रक्चर, ये एक सीव लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब पानी छन के सबसे पहले किस में जाएगा बच्चों? एस केनाल में। किस में जाएगा? एस केनाल। इसको क्या हो गया?
एस केनाल में जाएगा, ठीक है। अभी एस केनाल से पानी देखो रिंग केनाल में जाएगा, तो यहां पे लिख देते हैं नाउ दिस इज रिंग केनाल। अब रिंग केनाल से पानी इन आर्म्स में जा रहा है, और आर्म्स वाले केनाल को क्या बोलते हैं? रेडियल केनाल। क्या बोलते हैं? रेडियल केनाल। अब रेडियल केनाल से पानी इनमें जा रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे? लेटरल केनाल्स। कहां जा रहे हैं? लेटरल केनाल्स। फिर फाइनली पानी कहां जा रहा है? ट्यूब फीट में, ठीक है। यस, फिर कहां जा रहा है पानी? ट्यूब फीट में। तो ये है आपका पूरा फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं बच्चों, क्योंकि वहां से तो फेमस क्वेश्चन तो यहीं से ही बनता है। अगर आप ये पूरा डायग्राम ना भी करें, सिर्फ फंक्शन करके जाएंगे, आपके नंबर बन जाएंगे, ठीक है। यस, बिल्कुल। अब आते हैं बच्चों फंक्शन, क्या क्या फंक्शन है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रू और फॉल्स? चलिए बताइए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ट्रू और फॉल्स? यस, एब्सोल्युटली। सो दिस विल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद बच्चों इट विल हेल्प इन व्हाट? अब किस में हेल्प करेगा? यस, बिल्कुल। यस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहा है, फिर सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है, सर्कुलेशन में। फिर उसके बाद लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, किस में हेल्प कर रहा है? ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। उसके बाद किस में हेल्प कर रहा है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, फूड लाने में हेल्प कर रहा है। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं जो आपको लिखने हैं। चलिए लिखिए सब, एवरीबॉडी। एक्सक्रीशन में आ गया ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन में आ गया रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। यस, डन बेटा, समझ में आया? चलो अब हम इसके कुछ फीचर्स कर रहे हैं एज पर एनसीईआरटी। नाउ लेट्स राइट एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, जैसे कि आपको बिल्कुल याद हो जाए। तो टिपिकल कैरेक्टर्स हम शुरू कर रहे हैं, और टिपिकल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम हमेशा किससे शुरू करते हैं मेरे बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम से। किससे शुरू करते हैं मेरे बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप देखो जल्दी जल्दी अब आंसर बताना शुरू करो, क्योंकि अब तो यार है ना, अब फटाफट हमको करना है, तुम्हें आता ही है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इट इज कंप्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर। और जो मैम ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी एनसीईआरटी की, वो क्या थी? कि माउथ वेंट्रल होता है और इसका एनस डॉर्सल होता है। बिल्कुल, एक एक शब्द एनसीईआरटी का कवर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड बच्चों, अगर इसके रेस्पिरेशन की बात करें, सर्कुलेशन की बात करें, या फिर एक्सक्रीशन की बात करें, तो तीनों के लिए ही मैं एक चीज लिख देती हूं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद हम आते हैं नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। तो नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन पे आए तो इट हैज अ वेरी सिंपल नर्वस सिस्टम, वेरी सिंपल। तो दे हैव गॉट वेरी सिंपल नर्वस सिस्टम प्लस स्टैटोसिस्ट फॉर बैलेंसिंग, स्टैटोसिस्ट फॉर बैलेंसिंग। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे, इसके फोर्थ रिप्रोडक्शन। चलिए बच्चों, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल? एनसीईआरटी। चलिए बताइए, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल? एवरीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स। जी स्क्वायर क्लासिक, थैंक यू गोल्डन चौधरी, मनीष जी स्क्वायर, ओए होए, हमारा गोल्डन थे गोल्डन। चलिए बताइए, यूनिसेक्सुअल? अर्चना ठाकुर, वेरी गुड। जाकिया, वेरी गुड। रामू, वेरी नाइस। सो दे आर यूनिसेक्सुअल। तो ये क्या है मेरे बच्चों? यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। सबसे पहली चीज, फर्टिलाइजेशन, निषेचन आंतरिक होगा या बाहरी होगा? बताइए चैट बॉक्स में। यस, आंतरिक होगा या बाहरी होगा? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। दिस वुड बी इंटरनल, इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल, सॉरी बच्चों, आई थिंक जूही मैम हैज गॉट वेरी यू नो माइग्रेन हो गया उनको आज, तो शी जस्ट टेक्स्टेड मी। तो बच्चों आज जो 2:30 का सेशन है उसमें हम सिर्फ ब्लैंक स्लाइड्स पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जो हमारी जूही मैम की स्लाइड्स है वो नहीं मिल पाएगी, तो आप प्लीज पढ़ने के लिए जरूर आना। आज कॉकरोच हमें नया टॉपिक शुरू करना है, ठीक है बेटा, प्लीज पढ़ने जरूर आना। आज हम वाली स्लाइड पे नहीं पढ़ेंगे, हम ब्लैंक स्लाइड पे ही पढ़ेंगे 2:30 के सेशन में, ठीक है। यस, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है बच्चों हमेशा, और जो डेवलपमेंट है वो हमेशा इनडायरेक्ट है, दे ऑलवेज शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहां पे बच्चों मैं लिख देती हूँ क्या इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। यस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का
फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चों मैं आपका बिल्कुल टेक केयर बोल दूंगी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बोल दूंगी, यस। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के क्या क्या है लार्वा के नाम वो कुछ लिख देते हैं, ठीक है। पहले बाइपिनेरिया, ठीक है, ओफियोप्लूटियस लार्वा, क्या हो सकता है, ओफियोप्लूटियस और डोलियोलेरिया, ऑरिकुलेरिया। तो ये कुछ लार्वा के नाम है बच्चों, करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने तुम्हारी तसल्ली के लिए लिख दिया, सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए, ठीक है, यस बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट, हम कुछ एग्जांपल्स पे आ रहे हैं, लेट्स कम टू द एग्जांपल्स मेरे बच्चों, लेट्स कम टू एग्जांपल्स, आ जाओ एग्जांपल पे आते हैं। चलो मैम वैसे भी ब्लैंक स्लाइड पर पढ़ते ऐसा बोलते हैं नहीं, ऑलवेज अप्रिशिएट एवरीबॉडी, यस, बट आज तो बच्चों हमारे पास स्लाइड्स भी नहीं हो पाएंगी, तो जूही मैम की तबीयत सच में खराब है, अदरवाइज शी इज ऑलवेज वर्किंग सो हार्ड फॉर यू पीपल। आ जाओ इसके एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, पहला एग्जाम्पल है इसका कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया हॉलोथोरिया, दोनों का ही कॉमन नेम क्या है, सी कुकुम्बर है, और इनके पास क्या होता है बच्चों, एरिस्टोटल लैंटेन, वो इनका अपैरेटस है, फीडिंग अपैरेटस को कहते हैं, ठीक है, खाने वाले अपैरेटस को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं बच्चों थर्ड एग्जाम्पल पे, एस्टेरियस यानी कि स्टार फिश, ये हो गया स्टार फिश। फिर है बच्चों आपका एंटेडॉन, ये आपका हो गया सी लिली, ये हो गया आपका सी लिली, दिस इज योर सी लिली। देन वी हैव बच्चों ऑफ्यूरा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रिटल स्टार, ठीक है बच्चों। देन वी हैव इकाइनस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमनली सी अर्चिन। लिखा सबने, छोटा सा ही फाइलम है, ये बड़ा फाइलम नहीं है। नाउ वी गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट फाइलम, हेमीकॉर्डेट्स। चलिए मैम इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है ना, प्लीज बता दो, यस एब्सोल्युटली यस बिल्कुल। ऑफ्यूरा ऑफ्यूथ्रिक्स भी लिख सकते हैं, दोनों एग्जांपल है, यस टीनोफोरा 02 बिल्कुल सही है, वो भी ठीक है बिल्कुल, यस डन। कैन आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट फाइलम बच्चों, नेक्स्ट फाइलम शुरू कर दूं, वेट करते रहो यार, लाइव क्लास में मेरे से वेट कराते हो तुम, आई नो तुम लिख रहे हो बच्चों, देखो मैं वेट कर रही हूँ, साइड में खड़ी हो गई आकर। चलो अब आते हैं बच्चों, अब हमारा फाइलम नंबर 10 शुरू होने वाला है, टुडे वी गोना स्टार्ट विद द फाइलम नंबर 10, दैट इज योर हेमीकॉर्डेटा। बच्चों देखो तुम्हारे सिलेबस के लिए आई एम टेकिंग क्लासेस अ लॉट, ठीक है, माना कि आजकल देखो थोड़ा रीशेड्यूलिंग हो रहा है, मैं खुद से सॉरी बोलती हूँ उस चीज के लिए कि आजकल रीशेड्यूलिंग हो रही है, ठीक है, बिकॉज आई हैव सम अदर वर्क आल्सो गोइंग ऑन इन माय लाइफ, ठीक है, उसके कारण कई बार होता है कि मैं टाइम पे नहीं आ पाती, आधा घंटा एक घंटा लेट हो जाता है या जल्दी आ जाती हूँ, तो इसलिए आई एम टेलिंग यू बच्चों डोंट वरी, सिलेबस तो पूरा कंप्लीट होगा, टाइम से होगा, बस थोड़ा सा मेरे साथ मैनेज कर लो, ठीक है, थोड़ा सा बस, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद मैनेज होते बच्चों फिर सब सेट हो जाएगा, तो इसलिए क्लासेस होगी, आज भी दो क्लासेस है, अभी 2:30 बजे एक और क्लास है, उसमें भी आ जाना पक्का, ठीक है, यस। तो यहाँ पे फाइलम हेमीकॉर्डेटा हम शुरू कर रहे हैं, अब आज इसके जरा अर्थ पे आते हैं, सबसे पहले हेमी का मतलब होता है हाफ कॉर्डेट्स, ठीक है, हेमी मीन्स हाफ कॉर्डेट्स, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर इसके नॉन कॉर्डेट्स के, कुछ कैरेक्टर्स इसके कॉर्डेट्स के, ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर्स इसके किससे मिलेंगे बच्चों, कॉर्डेट्स से, कुछ कैरेक्टर्स के मिलेंगे नॉन कॉर्डेट से। तो सिंस ये बीच की पार्टी है, सिंस आपको दिख रहा है कि ये बीच की पार्टी है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, कैन आई कॉल हेमीकॉर्डेट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, टेल मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, क्या मैं हेमीकॉर्डेट फाइलम को बोल सकती हूँ कि ये कनेक्टिंग लिंक है, जल्दी से बताओ, यस जल्दी से बताओ, एब्सोल्युटली आई कैन कॉल दिस एज कनेक्टिंग लिंक, मैं इसे बिल्कुल कनेक्टिंग लिंक बोल सकती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब आते बच्चों नेक्स्ट, क्या इसके पास नोटोकॉर्ड है या नहीं, चलो वन बाय वन ये भी शुरू करते हैं, बट उससे पहले इसके जनरल कैरेक्टर्स पे आते हैं, लेट्स कम टू द जनरल कैरेक्टर्स, तो आ जाओ
सारी चीजें करेंगे डिटेल में, जनरल कैरेक्टर्स। तो अगेन सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट पे आ रहे हैं बच्चों, आर दे एक्सक्लूसिवली मरीन, यस और नो? यस। आर दे एक्सक्लूसिवली मरीन, यस और नो? यस 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 सुमैया, है ना? दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, दे एक्सक्लूसिवली मरीन। तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, पहली चीज, ठीक है? उसके बाद बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या बच्चों इनका? यस, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री कौन सी है? सिमेट्री कौन सी है बच्चों? दे हैव बायलेटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री इनकी? बायलेटरल सिमेट्री है। अब आते हैं जर्मलेस एंड बॉडी प्लान। जर्मलेस एंड बॉडी प्लान की बात करें बच्चों, तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्यूब विद इन ट्यूब एंड प्रोटोस्टोमेट्स। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो यहां पे बात करें तो बच्चों दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, यू गेट ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद यस, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। देन बच्चों यस, दे आर ड्यूटेरोस्टोमेट्स। यस, नाउ माय स्टूडेंट्स आर राइट, दे आर ड्यूटेरोस्टोमेट्स, एब्सोल्यूटली। उसके बाद आते हैं बच्चों सीलोम पे, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, सीलोम। तो अगर सीलोम की बात करें बच्चों, तो सीलोम क्या है इसका? एंटेरोसीलोम। क्या है बच्चों? एंटेरोसीलोम। सेगमेंटेशन इज एब्सेंट। सेगमेंटेशन क्या है मेरे बच्चों? एब्सेंट। तो ये तो हो गया। अब डायग्राम बना ले इसका भी, शानदार डायग्राम। मैम 2 बजे बीटी सर की क्लास होती है। बेटा बीटी सर ना आज क्लास नहीं लेंगे, तभी मैंने अपनी 2:30 बजे क्लास रखवा ली। तुम लोग को फ्री तो वैसे भी नहीं छोड़ना है हमने, तुम लोग की पढ़ाई तो टॉप क्लास होती रहनी चाहिए। रुको, जल सेवन कर रहे हैं, फिर आएंगे, जल पी के आएंगे। डायग्राम की तैयारी करो तब तक। यस, जल सेवन कर रहे थे, अब कर लिया है जल सेवन। चलो आ जाओ, डायग्राम बनाते हैं जो एनसीईआरटी में है। मैम हम ऑक्टोपस को जमीन पर चला सकते हैं? बेटा तेरा ही तो ऑक्टोपस है, वो तो कहीं पे भी चला, तू उसे हवा में उड़ा, तू उसे फेंक, तेरे ही तेरा घर का ऑक्टोपस, तुझे जो करना है कर बेटा, हमसे क्या पूछना हमसे क्या पूछ रहा ऐसी चीजें हमसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा ऑक्टोपस, माय लाइफ माय रूल्स, माय ऑक्टोपस, उड़ा उसे, चला जो करना है कर। चलो आ जाओ, अब आते हैं इसके बॉडी के ऊपर बच्चों। फर्स्ट पॉइंट टिपिकल कैरेक्टर का, द बॉडी डिविजन्स। तो अगर बॉडी डिविजन्स की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले यहां पर हम प्रोबोसिस बना रहे हैं। पहले बताओ एनसीईआरटी में चित्र दिया है या नहीं दिया है? बताइए, सब बताइए, एनसीईआरटी का चित्र है या नहीं है? है ना बच्चों? बिल्कुल। तो यहां पे ये है प्रोबोसिस, ये है उसका कॉलर, ये उसका कॉलर है, ठीक है बच्चों? फिर उसके बाद ये है उसका ट्रंक। बोलो डायग्राम तो बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल जबरदस्त बनाया ना, गोल्डन है ना? यस, दिस इज प्रोबोसिस, दिस इज कॉलर एंड दिस इज ट्रंक, एंड दिस इज ट्रंक, ठीक है भाई? पहले तो लिखिए, पहले लिखिए, ये तीन पार्ट लिखे एनसीईआरटी ने, ठीक है? अब आते हैं यहां पे, पहले पार्ट में क्या है? प्रोबोसिस में है प्रोबोसिस ग्लैंड। बोलो मेरे साथ, प्रोबोसिस में है प्रोबोसिस ग्लैंड। क्या है? प्रोबोसिस ग्लैंड। और प्रोबोसिस ग्लैंड का फंक्शन होता है एक्सक्रीशन। क्या फंक्शन होता है मेरे बच्चों इसका? एक्सक्रीशन। तो यहीं पे डायग्राम में लिख दिया पूरा, ठीक है? अभी कॉलन में आते हैं, कॉलन में होती है नर्व कॉर्ड, ठीक है? क्या होती है कॉलन में? नर्व कॉर्ड। तो यहां पे कॉलर एरिया में इसके पास एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। तो यहां पे इसके पास क्या होगी बच्चों? नर्व कॉर्ड, ठीक है? अब ट्रंक के पास होते हैं हिपैटिक सीके। तो यहां पे हम बना देते हैं इसके हिपैटिक सीके। सो दिस इज ऑल हिपैटिक सीका, हिपैटिक सीका। और ये वाला पार्ट क्या है इसका? एनस। ये क्या है इसका पार्ट? एनस, ठीक है बच्चों? एक चीज मैं पूछ रही हूं तुमसे, बक्कल डाइवर्टिकुलम। क्या हुआ, तुम्हारी चार्ट क्यों नहीं चल रही? अच्छा डायग्राम बना रहे होंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वैसे मैं बता दूं बेटा, एक होता है बक्कल डाइवर्टिकुलम,
ठीक है, वो कहां पे प्रेजेंट होता है बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, बक्कल डाइवर्टिकुलम। यस मैम कितने में, अच्छा बेटा रुक जा, तू रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अभी बताती हूँ। यस रुक जा रुक जा बना रहे ना, बनाओ बनाओ जल्दी से बताओ, बक्कल डाइवर्टिकुलम। यस मैम नीट फॉर्म आ गया बेटा, हम बता देंगे आपको, चिंता मत करो, मेरे को भी एनटी की साइट पे जाना पड़ेगा पता करने के लिए। यस बिल्कुल लिखा सबने प्रोबोसिस में, एब्सोल्युटली। तो बक्कल डाइवर्टिकुलम कहाँ होता है, माउथ के पास, बिल्कुल प्रोबोसिस में होता है, बिल्कुल सही। तो अब यहां पे हम इसके कुछ टिपिकल फीचर्स लिखने वाले हैं। द फर्स्ट टिपिकल फीचर इज नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, लिखो सब चैट बॉक्स में, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, इसकी जगह इंस्टेड दे हैव स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट। और स्टोमोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है बच्चों, एक्टोडर्मलिन ओरिजिन, क्या ओरिजिन होता है बच्चों, एक्टोडर्मलिन ओरिजिन। थर्ड थर्ड क्या बच्चों, एक्टोडर्मलिन ओरिजिन होता है स्टोमोकॉर्ड, जो प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। अब आते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, सो इफ यू टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज कंप्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आते हैं बच्चों इसके पास रेस्पिरेशन में, डू दे हैव गिल स्लिट्स बच्चों, डू दे हैव गिल स्लिट्स, से यस दे डू हैव गिल स्लिट्स, इनके पास गिल स्लिट्स होता है, दे डू हैव गिल स्लिट्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं सर्कुलेशन, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑलवेज ओपन, इट इज ऑलवेज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, दे हैव नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट। फिर आते बच्चों रिप्रोडक्शन पे, यूनिसेक्सुअल होते हैं ये, दे आर यूनिसेक्सुअल एंड दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बिल्कुल लिख लो ये सब। मैम बुक लंग्स किसके पास होते हैं, बुक लंग्स, ओके स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स, बिल्कुल। आते नेक्स्ट बच्चों डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल बलानोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस, एग्जाम्पल क्या बच्चों, पोस्ट एनल टेल इसमें नहीं होगी यशोदा, क्योंकि ये हेमिकॉर्डेट है, और कॉर्डेट्स के पास होती है क्या आपकी पोस्ट एनल टेल, है ना, यस yes. तो एग्जाम्पल क्या बच्चों इसका, बलानोग्लॉसिस, बलानोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस, बस हो गया। यस yes. लिखा सबने, कोई दिक्कत यहां तक बता दो चैट बॉक्स में, एवरीबडी की एनी बडी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। यस बच्चों अगर यहां तक कोई दिक्कत है, यस yes. मैम आप ही लिखो, मैम हम नहीं लिखेंगे इतना तेज, अच्छा मैं बहुत फास्ट लिखती हूँ, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, मैंने ऑफलाइन में भी बहुत सुनी है ये चीज, हाँ यस yes. काफी सुनी है बच्चों मैंने ऑफलाइन में भी, यस yes. I've heard this. I really write very fast. क्योंकि बेटा मैंने ना हमेशा से नोट्स बनाए हैं, तो मैं काफी फास्ट लिखने की मेरी इसलिए आदत है, I always write things. इसलिए बट कोई नहीं शाहरुख, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, है ना, यस yes. बेटा अगर सिद्धांत में डार्क सर्कल जा रहे हो तो तुझे क्या प्रॉब्लम है, पढ़ाने तो आई है ना मैम चलो बच्चो लेट सी वॉट वी हैव इन द क्विज टूडे। Okay, which of the following does not belong to phylum Mollusca? I think ये question हमने कल किया था, तो आज तो आंसर दे ही सकते हो आप बच्चों, yes, बताओ। इनका लार्वा टॉर्नेरिया होता है, टॉर्नेरिया लार्वा। कितने प्यारे ये सारे मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे, जी स्क्वायर आर्मी है, ऐसी है मेरी जी स्क्वायर आर्मी, प्यारी प्यारी, डेली आते पढ़ने के लिए, yes. जी स्क्वायर आर्मी इज अ मोस्ट लव्ड आर्मी बिकॉज दीज स्टूडेंट्स आर वेरी सिंसियर फॉर स्टडीज, यस। तो बच्चा डेकापोडा वुड बी द राइट आंसर, जैसे कि आपने देखा था मैंने गैस्ट्रोपोडा में बताया था एसिमेट्रिकल होता है, सेफालोपोडा में बताया था इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एकाइनोडर्म्स आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक बाय, कैरेक्टराइज्ड बाय एन एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, बायसेक्सुअल एनिमल्स, यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। आंसर बहुत ही सिंपल है बच्चों, मैम ने यह भी लिखवाया था एनिमल किंगडम का। चलिए बताइए बच्चों, अभी हम 8:30 बजे फिर से मिलने वाले हैं, आज मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच होगी, एंड मॉर्फो इज द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ कॉकरोच, है ना, अच्छे से टाइम से आ जाना बिल्कुल 2:30 बजे, ज्यादा लेट और बहानेबाजी नहीं चलेगी तुम्हारी। आंसर है बच्चों इसका बायसेक्सुअल एनिमल्स, ये इसका आंसर होगा क्योंकि दे आर यूनिसेक्सुअल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पर्ल मदर लेयर? ओके, ये तो बेटा मुझे भी देखना पड़ेगा व्हेन आई एम नॉट वेरी श्योर. नैकरे, ओके, पर्ल मदर लेयर इज नैकरे, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस हो गया. अब मैंने भी याद करना इसको छोड़ दिया और पढ़ाना भी छोड़ दिया. यस, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन हेमीकॉर्डेट्स? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको हेमीकॉर्डेट्स में देखने को नहीं मिलती है? अ ट्राइपार्टाइट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीन हिस्सों में बॉडी बटी हुई है, स्टोमोकॉर्ड, रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड, प्रोबोसिस ग्लैंड. कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है हेमीकॉर्डेट्स में? यस चार्मी, नहीं बेटा आज स्लाइड्स नहीं है 2:30 बजे की, आज आपको बिल्कुल देसी टीचिंग करके दिखाएंगे बिल्कुल. आंसर होगा बच्चों इसका रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड, ये होगा इसका आंसर, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, एक घंटा भी हो गया, एग्जैक्ट 1 आवर हो गया, इट्स ऑलरेडी 1:30. अभी हम 2:30 पे वापस मिल रहे हैं फॉर द कॉकरोच, और उसके हैंड ड्रॉन डायग्राम्स आज मैम बनाएगी, क्योंकि जूही मैम इज नॉट वेल एज यू नो बच्चों. ठीक है, तो बेटा देखो इसके बाद प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू होगा, 2 चैप्टर बॉटनी के. संकल्प सीरीज बहुत सही और फास्ट स्पीड पे चल रही है. आई रियली डोंट वॉन्ट टू पुश यू राइट नाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन 1 शॉट. पहले हमने बीच में 1 शॉट लिए थे, वापस ले लेंगे बेटा, हम तो यहीं पे ही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे. बट प्लीज तसल्ली से एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करो. अच्छा, आप लोग एनिमल किंगडम के क्वेश्चन कर रहे हो, मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, आर यू डूइंग एनिमल किंगडम क्वेश्चंस? तो आपको इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगा, आपको पता लगेगा कि मैक्सिमम चीजें मैम ने नोट्स में लिखवाई हुई है. देयर इज हार्डली, अगर हाँ बहुत ज्यादा हटके पीएचडी लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो तो बेटा आई एम रियली सॉरी, तब मैं रियली सॉरी हूँ. ठीक है, पीएचडी लेवल मैंने नहीं पढ़ाया, बट अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, तो आई एम प्रीटी श्योर, आई कैन टेक गारंटी कि वी आर कवरिंग ऑल द थिंग्स आराम से. ठीक है, तो 1 शॉट की टेंशन मत लेना. द क्रैश कोर्स का अनाउंसमेंट आज हो जाएगा, आज नहीं तो 1st को हो जाएगा, वो भी होने वाला है. 12 तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी पूरी जद्दोजहद से मैं लगी हुई हूँ. अब हमारे 3 से 4 चैप्टर बचे हैं. लिविंग वर्ल्ड का 1 शॉट हो चुका है, लिविंग वर्ल्ड में 1 शॉट के अलावा कुछ था भी नहीं. तो अभी प्लांट किंगडम नेक्स्ट होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा, फिर मॉर्फो एंड एनाटॉमी प्लांट का बचा है. 4 चैप्टर बचे, उसके बाद वी आर डन, कंप्लीट सिलेबस डन. अगर आप चाहते हो कि इकोलॉजी भी डिटेल में कराने, तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना. ठीक है, चलो चलो मेरे बच्चों, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. कोशिश करो कि 1st of January को वी सेलिब्रेट एज अ 1 लाख फैमिली. तो उसके लिए आपका शेयरिंग बहुत जरूरी है, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाओ, सब कुछ करो बच्चों, आपसे ही हमें उम्मीद है. लेट्स किल दिस, ठीक है, कोशिश करेंगे, नहीं भी हुआ तो भी पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे. चलो बाय, सी यू एट 2:30.